माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 37 और 49 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक कृषि प्रधान देश है और साथ ही साथ हम सब भी इस बात को मानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा कि वास्तव में भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब कहीं समस्याएं किसान के ऊपर आती है, कहीं आपत्तियां किसान के ऊपर आती है, तो किसान अपने आप को ठगासा महसूस करता है। हमारा किसान दिन रात मेहनत करके कृषि से उन्नत कृषि पैदावार करके अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का सपना सोचता है, और आज हम देख रहे हैं कि नई तकनीकी का ज़माना है, कृषि में भी बदलाव हुआ है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया जिसको बनाने का ख्वाब देखा देश के प्रधानमंत्री जी ने, उसमें भी हम लोगों ने नए आयाम स्थापित किए हैं और बहुत प्रगति करी है, बहुत उन्नति करी है। इन सब बातों के बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि डॉक्टर का बेटा अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखता है, टीचर का बेटा ये सोचता है कि मेरा बेटा अच्छा टीचर बने, वकील का बेटा वकील अपने बेटे को वकील बनाने का ख्वाब देखता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किसान अपने बेटे को कभी भी किसान बनाने का ख्वाब नहीं देखता। आखिर इन हालातों के पीछे कारण क्या रहे, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। मैं लगातार सुन रही थी, मेरे पक्ष के बंधु भी बोल रहे थे, मेरे विपक्ष के बंधुओं ने भी कहा, और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे ऐसा लग रहा था, मैं सुन रही थी कि जैसे जो कृषि बिल देश के प्रधानमंत्री जी किसान को मजबूत करने के लिए लाए, किस तरह से उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, ऐसा सुनने को मिल रहा था। माननीय सभापति महोदय, कहने को बातें बहुत सारी हैं, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा, लेकिन क्या हम इस सदन में किसान की बात को उठाकर किसान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, या मात्र वाही वाही लूटने के लिए हम यहाँ से मात्र भाषण देकर ये सोच ले कि हमारा किसान मजबूत हो गया, ऐसा कतई संभव नहीं है। आज हम कृषि के क्षेत्र की बात करें, चाहे हमने कृषि अनुसंधान केंद्र खोले, लेकिन उन कृषि अनुसंधान केंद्रों के हालात क्या है, हमने कृषि विश्वविद्यालय खोले लेकिन आज उनके हालात क्या है, चाहे हम कोटा की बात करें, चाहे हम जोधपुर की बात कर लें, जयपुर की बात कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो स्थितियाँ बनी हुई है, गाँव के उस किसान को, चाहे हमारा पशुपालक हो चाहे किसान हो, उसको गांव के अंदर क्या सुविधाएं मिल रही है, ये हमारी सबकी आंखों के सामने है। एक वेटरनरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए हमारा गांव का किसान सब सेंटरों पे घूमता रहता है, कहीं ना कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे उन पर घूमता रहता है। कोटा हेडक्वार्टर की भी हम लोग बातचीत करें तो हमारे वहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद आए दिन जो पशुओं की सोनोग्राफी होती है उसकी मशीनें खराब पड़ी हुई रहती है। ये सब बातें मैंने पहले भी आपको बताने का निवेदन किया, लेकिन ऐसा लगता है कि हम बात को यहाँ बोल दें और उसके बाद किसी तरह से कोई कार्रवाई ना हो, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। मैं सभापति मोदी आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि देश में जिस तरह से कृषि को मजबूत करने के लिए, किसान को मजबूत करने के लिए काम किए गए, वो राजस्थान की धरती से ही शुरू हुए, चाहे हम मृदा प्रशिक्षण कार्ड की बातचीत करें, चाहे हम जो हमारी गवर्नमेंट ने किसान को विद्युत बिलों पर 833 रुपए की जो सब्सिडी देने का काम किया था, जिससे 5 HP से लेकर 7.5 HP की मोटर किसानों को काफ़ी उससे लाभ मिल रहा था, ये जो सब कुछ काम किया था ये लगातार 26 महीने से बंद पड़ी हुई है और किसान को इसका कुछ फायदा नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी आज किसानों की क्या हालत हो रही है, लगातार फोन उनके आ रहे हैं किसानों के, आज किसान को पानी चाहिए। मैं मानती हूँ कुछ जगह हमारे गेहूं की फसल कट रही है, लेकिन हम तेल क्षेत्र पे बैठे हुए हैं, वहाँ पर आज भी किसान पानी की मांग कर रहा था, 3 दिन पहले भी, लेकिन एक तरफ तो किसान पानी की मांग कर रहा था और दूसरी तरफ उनके ट्रांसफार्मरों को उठा उठा के बिजली विभाग वाले ले जा रहे थे। हम किस राजस्थान की कल्पना कर रहे हैं, किस हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान के अंदर की हम बात करें, रामगढ़ अभ्यारण्य जहाँ का किसान हर सरकारी योजना से जूझ रहा है, आज KCC का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ हम देखें
सुगर मिल जो किसानों की लाइफलाइन, हमारे यहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता था, सुगर मिल बंद पड़ा है। अनशन पर हमारे वहाँ के किसान बैठे हुए, मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगी, आपने उनको परसों चर्चा भी करी, आपने चार दिन पहले उनको अनशन से उठाने का भी आपने काम किया, लेकिन क्या किसान के हित को देखते हुए हम उस सुगर मिल को चालू करने की बात नहीं कर सकते? साथ ही साथ जिस हाड़ौती की धरती से मैं आती हूँ, आज तक हमने उस हाड़ौती की धरती पर जहाँ किसान गेहूँ की इतनी पैदावार होती है, आलू की इतनी पैदावार होती है, क्या हमने एक भी प्रोसेसिंग यूनिट आलू की लगाने का काम किया? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी माननीय मोदी कि किस तरह से आज हम देख रहे हैं कि किसानों को अनेकों योजनाओं का लाभ मिल रहा है, भले ही कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन जिस तरह से ये तीनों बिल किसानों के हित में केंद्र सरकार लेकर आई है, हमारा किसान मजबूत होगा, किसान को किसी की तरफ ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और निश्चित तौर पर इन बिलों को लाने के बाद किसान ये सोचेगा कि मेरा बेटा भी एक सक्षम किसान बने, एक उद्यमी बने, किस कृषि के क्षेत्र में रहते हुए एक अच्छे उद्योग खेत में लगाए और कहीं ना कहीं वो मजबूत बनकर आगे बढ़ने का काम करें, इस बात की कल्पना भी वो कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि हम बात करें, गुजरात की बात कर ले, हमसे सटा हुआ एरिया है, 8 घंटे में वहां एक ही ब्लॉक के अंदर जिस तरह से बिजली दी जाती है, आज हमारे किसान सर्दी हो तो उनको किस तरह से 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट हम दे रहे हैं। आपने घोषणा भले ही कर दी कि हम उनको लगातार दिन में बिजली देंगे, लेकिन रात में इस टुटराई में हमारा किसान बिल्कुल 1 घंटे में 10 मिनट के अंदर बार बार जिस तरह से ट्रिपिंग होती है बिजली की, इसमें भी हमें सुधार करना पड़ेगा, ये काम भी हम लोग करें। और बीमे की क्या स्थितियां बनी है वो हम सबको मालूम है, सवेरे भी चर्चा हो रही थी, सम्मान्य हमारे गुलाब जी बोल रहे थे क्या हालात हमने राजस्थान में कृषि के करके रख दिए, ये हम सबकी आंखों के सामने है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हम रामगंज मंडी से कोटा से आगे निकल जाएं तो किस तरह से संतरे की बम्पर पैदावार होती है, लेकिन हम सरकारी अधिकारियों से इस चीज की चर्चा करें कि सरकार स्कीम लेकर आती है, योजनाएं बनाती है, क्या हमने इस योजना के माध्यम से कितने किसानों का भला किया, कितनी लहसुन की प्रोसेसिंग यूनिट हमने लगाई, कितनी हमने संतरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई, मात्र हमारे अधिकारी ऑफिसों में बैठते हैं और ऑफिसों में बैठकर भरपाई स्कीम्स की योजनाओं की कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जो योजनाएं हम लागू करते हैं उन योजनाओं को धरातल पर लाकर काम करेंगे तो जनता हमारे लिए कुछ अच्छा कहेगी। हम देख रहे वेटनरी डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पा रही, उसकी वजह से हमारे सारे गाँव में जो हमारे पशुपालक है, चाहे हम चले जाएं, हम कोटा क्षेत्र की बात करें, केशुरायपाटन क्षेत्र की बात करें, हमारे किसान को 40-40 किलोमीटर अपने जानवर को गाड़ी में लेकर लाना पड़ता है, इन सारी बातों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कृषि उपज मंडियों की हालात क्या हो रही है, हमारी बूंदी की कृषि उपज मंडी को देख लें, आप कोटा की कृषि उपज मंडी को देख लें, केशुरायपाटन की कृषि उपज मंडी को देख लें, खुले में जब हमारे गेहूं की तुलाई होती है, बारिश अचानक आ जाए, फसलें किस तरह से कर चली जाती है, आए दिन हम लोगों को देखने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ निवेदन करूंगी कि जो कांटे हमारे खुलते हैं, उन कांटों से जिस तरह से किसानों की जो खरीफ, मैं कहूंगी कि उनकी मेहनत पे किस तरह से पानी पानी हो जाती है, पानी फिर जाता है, इस ओर भी मैं आपका ध्यान इंकित करवाना चाहूंगी। किसानों के साथ कांटों पर जो लूट कसोट होती है उसे रोका जाए, चाहे हमारे तिलम संघ के कांटे हो, चाहे हमारे राजफेड के माध्यम से चल रहे हो, 3-3, 4-4 साल तक तिलम संघ और राजफेड के जो कांटे लगे हुए थे उन किसानों का पेमेंट नहीं हो पाता, इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ अगर FCI भी हमारे गेहूं की तुलाई करती है, किस तरह से उनको माल को उठाना है और उठाकर जगह पर उन्हें पहुंचाना है, मात्र अपने लालच की वजह से जिन कंपनियों को ठेका होता है वो अपने लालच की वजह से गेहूं को पड़ा की पड़ा रखती है, और इससे क्या होता है, 3-3, 4-4 सौ ट्रोलियां केशुरायपाटन की धरती पर लंबी लाइन में लग जाती है, किसान दाल बाटी बनाकर 3-3 दिन तक सड़कों पर खाता है, इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए, हमारे किसान को हमें मजबूत करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि हम जिस तरह से उच्च शिक्षा में तो हम लोग कृषि कॉलेज खोलकर कृषि की पढ़ाई की हम तैयारी करवाते हैं, सब कुछ करते हैं किस तरह से हमारे किसानों को मजबूत कर सके, लेकिन आज हम देख रहे हैं
मैं कहूंगी कि अगर एलिमेंट्री एजुकेशन से ही हमारी कृषि का ज्ञान देना हम लोग शुरू करेंगे तो मैं मानती हूँ हमारे गांव के अंदर जो हमारे नौजवान हैं आने वाले समय में किस तरह से उन्नत कृषि की जाए इस ओर उनका ध्यान जाएगा, ये भी मेरी आपसे मांग है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि आज FCI के कांटे खुलने वाले हम देख रहे हैं उनकी संख्या में कहीं ना कहीं कटौती हुई है। मैं मांग करती हूँ कि जिस तरह से अनेकों उपखंड में 4 से 5 कांटे लगे हुए हैं मेरी विधानसभा क्षेत्र के, चाहे लाखेरी उपखंड हो, चाहे नैनवा हो और चाहे केशुराय पाटन हो, इनमें दो दो ही कांटे खुले हुए हैं। उनकी संख्या बढ़ाकर 4-4 करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरे यहाँ के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ मैं मांग करना चाहूँगी कि हमारे जो एग्रीकल्चर के जो हमारे सेक्रेटरी लगे हुए हैं उन्हें हम पाबंद करें, क्योंकि देखिए आए दिन जब प्रकोप आता है, जिस तरह से हमने देखा कि टिड्डी के दल ने हमला किया, कोटा से एंटर होते हुए केशुराय पाटन में पहुंचे तो हमारे किसान कितने परेशान हो गए और एक बार तो स्थिति ये पैदा हो गई कि कृषि विभाग के कर्मचारियों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम क्या करें, अचानक से ऐसी हालात हो गई। तो निश्चित तौर पर हम आगे से हमारे कृषि विभाग के कर्मचारियों को, हमारे सेक्रेटरियों को, हमारे जो और भी हमारे अधिकारी लगे हुए हैं उन्हें सचेत करके रखें कि इस तरह के हालात पैदा होने पर वो मौके पर मौजूद रहे और न कि किसानों के ऊपर ही सारी हम अला बला छोड़ दें। तो मैं कहूंगी कि एक किसान के साथ न्याय होगा, वरना हम सब जानते हैं किसान किन हालातों से गुजर रहा है। मैं आज के दिन कहना चाहूंगी कि जो भी हमारी केंद्र सरकार ने चाहे फसल बीमा योजना के मार्फत किसान को मजबूत करने का काम किया, मैं धन्यवाद देना माने सभापति महोदय, आपने मुझे शॉर्ट समय में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बैठ रही हूँ माननीय श्री आलोक बेनीवाल।